दर घर में धीरे 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 परीक्षित बड़े हो गए। बताया जाता है कि अर्जुन के यहां जो अमृत का कुंड था, जिसमें औषधियां भरी हुई थी, कवियों ने संज्ञा दे दी अमृत की, और उस कुंड पर महाराज परीक्षित पहरेदारी करने लगी जाकर। इधर घर में नवल देवी बड़ी हो गई, लेकिन महाराज बासु को नहीं मालूम है कि मेरे घर में बेटी है। एक दिन नवलदे स्नान करने के बाद ऊपर छत पर खड़ी थी, बासुक जब महलों के अंदर आए हैं उनकी नजर पड़ी गई, और जैसे ही देखा तो खड़े हो गए। एक बात सोची, इससे पहले तो हमने इसे कभी देखा नहीं, ये पता नहीं कौन है, किसकी बेटी है, कहां से आई, और उस लड़की को देख करके इनके विचार कुछ गलत हो गए। तो बासुक को कुष्ठ रोग हो गया, पत्नी के सामने पहुंचे, जवाब दिया, हमें ये बताओ ये हमारे घर में जो बेटी है किसकी है। बोली, महाराज हमें माफ करना, ये आप ही की बेटी है, और मैंने आपको बताया नहीं, आपसे छिपा लिया। बासु कहते, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अर्जुन से भी हमें झूठ बोलना पड़ा, और हमें जो कुष्ठ रोग हो गया है क्या करें। समझाया है, जवाब दिया है, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब हमें जो कुष्ठ रोग हो गया है क्या करें। नबलदेव को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, बेटी हमें माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी ही बेटी हो। नबलदेव कहती है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ये सुना है कि अर्जुन के यहाँ जो अमृत का कुंड है, और मैं उस जगह पर जाऊंगी, अमृत लेके आया, आप स्नान कर लेना तो आप ठीक हो जाएंगे। बासु कहते, बेटी तुम बहाना जाओ। क्यों? बोले, मैंने ये भी सुना है वहां परीक्षित पहरेदारी भी करते हैं, और तुम अगर उस जगह पर गई तो वो तुम्हें आने नहीं देंगे, मेरी बात मानो। तो तब बासुक ने कही, ओ लली मेरी प्राण न पे प्यारी, तो गया बन दे परीक्षित योदा बलधारी। जवाब दिया, तुम बाहर न जाओ। तो नबलदेव कहती, पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करो, बाजू कहते बेटी तुम्हें मालूम नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो अगर विद्या जानते हैं तो विद्या मैं भी जानती हूं। क्या? हाँ बोली, पिताजी नागिन बन जाऊंगी।